अज दे इस अजीम शान खुतबाए जुमा दे अंदर जो कि रमजानुल मुबारक दा दूसरा खुतबाए जुमे कुरान पाक दी इस अजीम शान आयत दे तहत अपनी और तुहाड़ी इसलाह वास्ते कुरान सुन्नत दी रोशनी दे अंदर गोश गुजार करना चाहना। हर एक इंसान आयतुल कुर्सी नु पढ़दा और आयतुल कुर्सी ना प्यार और एदे नाल बहार पैदा करदा। इंशाअल्लाह रहमान इस आयत दी फजीलत व अहमियत अजर व सवाब और इस आयत अंदर रब रहमान ने कितनी को अपनी ताकत दा मुजाहरा कीता है इंसान कुरान पाक दा मुताला करे अल्लाह दुल जलाल दी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब बड़ी ही शान व फजीलत अहमियत दी हामिल है। सारे दा सारा कुरान बड़ी बरकत वाला है, बड़े शान वाला है और बहुत मुकाम वाला है। कुरान पाक दी हर एक सूरत बल्कि कुरान पाक दा हर एक सिपारा सिपारे दा हर एक रकू रकू दी हर एक आयत और आयत दा हर एक लफ्ज़ और हरफ बेमिसाल और बाकमाल है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बाने नबुव्वत दे विच इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे सहाबा रब्बुल आलमीन ने अपने बेहतरीन खजानियां दे विचों चार खजाने अल्लाह ने मनु अता कीते ने किसे नबी पैगंबर दे हिस्से अंदर नहीं आए। मैं कुर्बान जावा जे कायनात दा इमाम वेखिया जाए सब तो आला किताब देखी जाए सब तो आला उतारने वाली जात वेखी जाए सब तो आला। ए महीना और इस महीने दी कदर वाली रात वेखी जाए सब तो आला। आका फरमांदे ने अल्लाह ने अपने खजानियां दे विचों मैनू चार खजाने अता फरमाए। नंबर एक सूरतुल कौसर अल्लाह दे खजानियां चो बेहतरीन खजाना है। नंबर दो सूरह बकरा और यानी आयतुल कुर्सी
और सूरतुल बकरा दी आखरी दो आयात नंबर चार सूरतुल फातिहा जिनू अलहम शरीफ किया जाता है ये अल्लाह दुल जलाल ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू बेहतरीन खजाने आचो खजाना दिता है। अल्लाह अपने प्यारे बंदियां नू पैगंबर दे सच्चे उम्मतियां नू पूरे कुरान और साहबे कुरान ना मोहब्बत प्यार करने दी तौफीक नसीब फरमाए। और आयतुल कुर्सी मैं कुर्बान जावा मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने एक दिन अपने प्यारे सहाबी जिन्हों की कुनियत अबुल मुंजर है नाम हजरत उबई रजी अल्लाह ताला अन्हे मैं कुर्बान जावा मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते रब दा कुरान नाज़िल होया अल्लाह दुल जलाल दी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब आसमान वाले रब ने नाज़िल फरमाइए कुरान दा हर एक पारा और कुरान दा हर एक रकूत सूरत अजमत शान वाली है। ते मेरे अकाली सलाह तो वसलाम अपने प्यारे सहाबी हजरत उबई रजी अल्लाह ताला अनहोन मुखातब हुंदे में कौन मेरे आका दा प्यारा सहाबी है आमिना दिलाल अलैहि सलाह तो वसलाम परवाना ते दीवान जिनू माहिर कुरान आखिया जांदा अगर सीरत दा मुताला कीता जाए कुतबे कसीरा नू पढ़िया जाए सलफ सालहीन दी जिंदगियां दा मुताला कीता जाए मेरे अकाली सलाम दे ए प्यारे सहाबी हजरत उबई रजी अल्लाह ताला अल बड़ी बेहतरीन आवाज दे अंदर सोनी सुर दे अंदर खूबसूरत लहजे दे अंदर रब्बुल आलमीन दा कुरान पढ़ने वाले ऐसे वाते अल्लाह फरमांदे में ए मेरे सोने नबिया अगर तू कुरान सुनना चाहे अपने सहाबी मेरे बंदे उबई दी जबान चो कुरान सुने अगर इतनी अहमियत अब्दलियत हामल सहाबी ने बल्कि सहाबा किराम ने जो कुरान करीम दी कमेटी बनाई है उन कमेटी दे अहम रुकन और अहम नगरान जेड़े हजरत उबई रजी अल्लाह ताला अनु मुखातब कर दे ते आका फरमाते ने उबई मैं तेरे ना एक गल करना चाहना वे अल्लाह दे नबी जी की पैगाम ते की हुकम है फरमाया मनू ए दसो कुरान पाक दी अंदर सब तो अफजल ते अकमल कदर वाली आयत केड़ी है ते जनाबे उबई रजी अल्लाह ताला अनहो बयान कर दे में अल्लाह दे नबी जी अल्लाह दी जात भी सब तो आला अल्लाह जुल जलाल दा कुरान भी सब तो आला सुनिया तुहाडी जात पाक भी सब तो आला एदा मकसद की है उतारने वाली जात रब्बुल आलमीन और जिस पैगंबर दे कल्बे अतहर ते नादल फरमाया ओ जात रहमतुल आलमीन अल्लाह दे नबी
ਨਬੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਬਰਹਾਮ ਤੇ ਮੂਜਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦਰ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਾਲਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਦਰ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਤੇ ਐਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਮੁੰਜ਼ਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਕੁਨੀਅਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇੰਜ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਬਈ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਐ ਪਿਆਰੀਆ ਤਲੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬੰਦਾ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਅਬੂ ਮੁੰਜ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਲਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਓ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕੀ ਹੈ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬਣਾ ਲਵ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬਣਾ ਲਵ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਬਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਹੋਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਬਨ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾ ਉਹ ਗੱਲੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ
अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सहाबी ने पकड़ लिया। जदों पकड़िया ते कहन लगे तेनू नहीं पता ए माले गनीमत जेड़ा या ए सदके दा माल जेड़ा ए उठा के लैके जाना है, मेरी ड्यूटी लगी है, तू ए की कम करना है। इन्हें मिन्नत कीतियां समायत कीतियां, ओ जी मेरे छोटे छोटे बच्चे में ते मैं बड़ा मजबूर है, चलो मुनु माफ कर दियो, मैं आज दे बाद काम नहीं करदा। सुबह दा टाइम होया, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लम आए, आपने फरमाया अबू हुरैरा कैसी तबीयत हुजूर, फदा का अभी व अम्मी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मी सोनिया मैं तो आड़े ते मोहब्बत प्यार ते मेरे माल दैन तो आड़े ते राधी ने, सोनिया साड़ी जान तो आड़े ते कुर्बान है। ते मेरे आका फरमान दे ने अबू हुरैरा दस रात तेरे कई दीदा की बड़े आए। हुजूर मैं बैठा सा, आया माल उठाया मैं पकड़ लिया, ते फिर की होया? हुजूर मिन्ता कीतियां समायत कीतियां छड़ दिता। फरमाया फिर कल आएगा, कल फेरे होई मंदर, फिर मिन्ता समायत कीतियां, बड़े रकीकुल कलब ते नरम तबा से अपीसान छड़ दिता। ते जदों तीसरी रात होई आका फिर पुछया हुजूर मिन्नता समायता कर दितिया छड़ दिता, ते मेरे आका फरमांदे ने कल फिर आएगा। नबी दा सहाबी आंदा मैं हुण छड़ना नहीं, मैं जान नहीं देंगा, जरूर पैगंबर दे दरे दौलत ते लैके जावांगा, मैं कुर्बान जावां जगां दे पीर रब दे हबीब दे सहाबी में। ताक दे अंदर ए मामला रख गया, उन्हें फिर माल चुराना चाहिया, फिर मेरे आका दे परवाने जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्ने पकड़ लिया। कहन लगे आज मैं तेनू नबी दे तारे दौलत सरूर लेके जावांगा। इन्हें आखिया चारा कोई नहीं चलेगा, ते कहन लगा यार मैं तेरे ना एक गल करना चाहना वा, मनु छाड़ दे मैं तेनू एक अमल दस के जाना वा। ओ अमल की है? जद रात नू तू ए पहरे दे उते ए माल गनीमत ते पहरा दे में अपने माल ते आयतुल कुर्सी नू पढ़ के फूक मार दिया कर, अल्लाह जुल जलाल तेरे माल नू हिफाजत दे अंदर कर लेंगे। ते मेरे आका दे परवान ने छड़ दिता है। आप फरमांदे ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अनह की बनिया तेरे कैदी दा? सुनिया मैं ते एहो ही अपने दिल विच इरादा रखिया, जरूर तुहाडे दरे दौलत ते लैके आवांगा। सुनिया मिन्नतां कीतियां ते जांदा जांदा मैनूं इक अमल दस गया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने पता ए कौन सी हुजूर, मैं ते नहीं जानदा। आप फरमांदे ने है शैतान सी, अमल चंगा दस के टुर गया है। है शैतान सी, अमल अच्छा छड़ के टुर गया। मेरे भाइयों गौर करो, आयतुल कुर्सी पढ़ के रात नू अपने घर दी चार दीवारी ते फूक मार के सो जाया करो। अल्लाह दा एक फरिश्ता एदी हिफाजत दे अंदर आएगा, ते नाले तेरे वास्ते दुआ करेगा। रहमत दा फरिश्ता जाएगा नहीं, शैतान लईन तेरे माल दे करीब आएगा नहीं। आयतुल कुर्सी ताला लगाओ, दरवाजा बंद करो, लॉक करो। लेकिन सब तो बड़ी पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है। मेरे आका फरमांदे में जेड़ा बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ लैंदा अल्लाह जुल जलाल
उस इंसान ते अपनी रहमत दा फरिश्ता एक मुकर्रर कर देंदे ने। सारी रात सौना घराड़े मारना, तरावियां पढ़ के आराम करना, ते मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा रात नूं सौण लग्या आयतुल कुर्सी अपने घर ते दम कर देंदा है, अपने आप ते दम कर देंदा है। और मैं ते कहा करना वे रब्बे सुल जलाल दी कसमे दिन वेखो परेशानी दे किन्ने में, मजदूर तबका परेशान है, ताजर तबका परेशान है, हर मुसलमान परेशान है, पूरी रूए जमीन ते कोरोना वायरस है, हर बंदा परेशान है। इहदे अंदर कोई शक नहीं सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाता है, 20 सेकेंड वास्ते हाथ धोते जाते हैं, और एहतियाती तदाबीर के जरिए इंसान अपनी जिंदगी दे आयाम बसर करता है। ते मेरे आका फरमाते हैं अगर तुसी कोरोना वायरस तो बचना चाहते हो, इस मुजीब मरद तो बचना चाहते हो, फिर पढ़िया करो बिस्मिल्लाहिल्लाजी ला यज़ुरु मास्मिहि शैयुन फिल अर्ज़ि वला फिस्समाई वहुवा समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामतिय मिन शर्रि मा खलक। ते किते पढ़िया कर ला इलाहा इल्ला انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ کتے پڑھیا کر اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اوتے پھر وی किया कर अल्लाह ला इलाह इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्ज़ी मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ العظيم۔ آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تینوں کرونا وائرس تو بھی محفوظ فرما دیں گے۔ کیوں؟ جدو آیت الکرسی پڑھے گا صبح و شام دی اذکار کرے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دی نماز دے اندر آیت الکرسی نماز تو بعد اذکار دے بعد کر دائے تے میں قربان جاما زور تک او انسان اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندائے، رب دی حفاظت دے اندر او حفاظتی اقتماعات کر دے یا نا، تے میں قربان جاؤں جیڑا زور ویلے پڑ دے اثر تک اللہ دی حفاظت دے اندر آ جان دے، جیڑا اثر ویلے پڑ دے مغرب دی نماز تاکہ اللہ دی حفظ و ایمان اندر آ جان دے، تے مغرب عشاء پڑ دے میں قربان جاؤں۔ آمینہ تے لال علیہ
सलातो वसलाम ने फरमाया हर नमाज के बाद ऐतुल कुर्सी का फिरद करिया करो, ऐतुल कुर्सी नू अपना वजीफा बनाया करो। अजे नहीं समझे? आमिना दे लाल अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया ओ सुनो फायदे आयतुल कुर्सी दे, सुनो फायदे अल्लाह दी प्यारी आयत दे। फरमाया जेड़ा बंदा सुबह दी नमाज ते बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ लेंदा है, शाम दी नमाज तो बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ लेंदा है, जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलाम ने अपनी जबान ने नबुव्वत दे विचों इरशाद फरमाया ओ जुबान जेड़ी है जिदा तज़किरा कुरान ने फरमाया, फरमाया फन नजम एजा हवा माजल्ला साहिब कुम वमा गवा वमा यम्ति को अनिला हवा इन हवा इल्ला वही युआ। और रब सुल जलाल दी कसम सारा जहान गलत हो सकता है, मेरे पैगंबर दी जुबान गलत नहीं हो सकती है, मेरे आका दा फरमान झूठा नहीं हो सकता। आमिना दलाल फरमांदे ने जड़ा बंदा सुबह पढ़ता है अगर शाम तक फौत हो जांदा है अल्लाह दे जन्नत ते हजरत इंसान दे दरमियान दे अंदर है, अगर हायले ते इंसान दे दरम्यान अंदर मौती हायले। सुबह आयतल कुर्सी पढ़ते शाम तक नंबर एक अल्लाह दी हिफाजत अंदर चाहते हो ना रब दी हिफाजत मिले ते नंबर दो अल्लाह कयामत दे दिन आयतल कुर्सी दे सबब इंसान दी शिफात अता फरमा, और नंबर तीन सुबह पढ़ के शाम तक फौत हो जाता है तो सीधा अल्लाह उस इंसान वास्ते अपनी जन्नत के अठे दरवाजे खोल। सुबह एक दफा पढ़ो शाम तक फौत होवो ते अल्लाह अपना जन्नत अता कर दे, ते शाम को पढ़ के सो जाओ अगर सुबह तक मौत वाकया मरना ते हर बंदे नहीं है। इस वास्ते मेरे भाई आयतुल कुर्सी पढ़िया कर, मेरी ये बहने आयतुल कुर्सी दा वजीफा करिया कर, अपनी बच्चिया नू अपने बेटिया नू अपने घर वाले नू रात नू सौन लग्या मां दा हक बनता है, बाप दा हक बनता है अपनी औलाद नू आर्डर करे बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ के सो, ए मेरी बेटी आयतुल कुर्सी दा वजीफा करके सो, ते जगां दे पीर रब दे हबीब फरमांदे ने इंसान ते रब दी जन्नत दे दरम्यान अंदर मौती हायल है। इधर फरमाया या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके राज़ी जन्नती। रब अपने जन्नत अपनी रहमत नाल आद कर देंगे। इस वास्ते मेरे भाई आयतल कुर्सी नाज मोहब्बत पा के ले जा, आज इरादा कर ले अजम दिल छजम करके ले जा, मैं बाजार अंदर तुरा आयतुल कुर्सी अपनी जबान चो गुनगुनावा, मैं मस्जिद के अंदर बैठा आयतुल कुर्सी पढ़ा। मेरी ये बहने रब्बे जुल जलाल दी कसम है, और ये रातां बड़िया प्यारिया ने अयाम बड़े सुहाने ने, रात नू नमाज तरावी दे अंदर नफलां दे अंदर खुलो के अल्लाह अकबर कह के रब्बुल आलमीन दे सामने हाथ बन के सूरत फातिहा मुकम्मल करके किते दस दफा पढ़ ला आयतुल कुर्सी, किते वी दफा पढ़े आयतुल कुर्सी, किते पंजा दफा पढ़े बार बार आयतुल कुर्सी है।
ਇਹ ਬਹਾਰ ਇੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ। ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੌਧਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੋ ਹੂੰਡ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਸੁਭਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਐਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋਂਟ ਕਿਸ ਕਿੰਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕਾਦਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਤੇ ਦੋ ਹੋਂਡ ਅਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇਣ ਨਬੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਤੀ ਸਾਧ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਤੇ ਤੜਫਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦਾ ਬੋਸਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਹੋਂਟ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਬਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਖੂਬੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਏ
वेखिया नहीं जिन्हें वेखिया है। हर बंदा आंदा यार हजरे असवद नू मेरे होंठ लग जाए, हजरे असवद नू मेरा हाथ लग जाए, मेरा इशारा हो जाए। हजरे असवद नू किसे सवाल कीता, हजरे असवद तू है पर रंग दा का लाए, तेरे अंदर ओ केड़ी फूपीए, तेनु हर कोई चुमन लाए। हजरे असवद अगों जवाबता, हजरे असवद अगों जवाबता, मेरा रंग ते है पर का लाए। मुनु सारी दुनिया ता चुमदी, मुनु सारी दुनिया ता चुमदी, मुनु चुम गया कमली वालाए। आका फरमांदे ने हजरे असवद नू दो होंठ मिलनगे और दो अखा मिल गईयां, एक सुबान मिलेगी। अल्लाह सानू अपनी रहमत ना कड़ियां पार पार नसीब फरमा। फरमाया कयामत दे दिन रब दे दरबार दे अंदर जीना जीना बोसा ले, अल्लाह दे दरबार अंदर हजरे असवद रब दे सामने सिफारिश करेगा, अल्लाह हजरे असवद ही मन के अपने पैगंबर दे हर एक उम्मती नू अपने जन्नत दा दाखला अता फरमा। फरमाया आयतुल कुर्सी दे दो होण ते और जनाब सबान होएगी, ते मेरे आका फरमांदे मैं ए आयतुल कुर्सी जेड़ी है रब्बुल आलमीन दे अरशे अजीम दा पाया पकड़ लेगी, ते रो रो के रब दे सामने गिड़गड़ाएगी। तुसी आखो मौलवी जी आयतुल कुर्सी दा फायदा की है, अल्लाह दी कसमे जिन्ने मर्दी दुख ने तकलीफा ने परेशानिया ने बलावा ने और जनाब घरेलू मामलात अंदर जादू टूने दिया शिकायतों में आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने रब दी पनाह इख्तियार करे कर। ते मेरे आका फरमांदे ने आयतुल कुर्सी जेड़ी है कयामत दे दिन अल्लाह दी अरश दा पाया पकड़ेगी, ते रब दे सामने अल्लाह दे सामने गिड़गड़ा के दुआ करेगी। और हदीस पाक दे अंदर आउंदे फरमाया इन्ना लिसानू अशफतैन, इन्नला लिसानू अशफतैन वतो कत्तिसुल मलकी इंदा साकिल अरशी। आका फरमांदे ने आयतुल कुर्सी जेड़ी है रब दे दरबार दे अंदर अल्लाह दी इस जनाब अरश दी कुर्सी दा रब दा अरश पकड़ के दुआ करेगी है अरशा वाले या रब्बा तेरा जेड़ा बंदा ते तेरी जेड़ी बंदी दुनिया दे अंदर आके मनो पढ़दे रहे मेरिया तिलावत करदे रहे अल्लाह सोनिया अज मेरी मन के ओना अपने बंदिया नू जन्नत अलाट ही फरमा दे। अजे भी ना पढ़िए साड़ी बदकिस्मती है, अजे भी ना पढ़िए। इस वास्ते मेरे भाई आयतुल कुर्सी नू पढ़िया कर और मैं गल मुकदी मुखा दिया। रब्बे सुल जलाल दी कसमे आयतुल कुर्सी इंसान दे अकीदे नू भी दुरुस्त रख दी है। इहदा तर्जमा पढ़ो, बार बार पढ़ो, तफसीर पढ़ो,
मफहूम पढ़ो ते मैं कुर्बान जावा ऐतल कुर्सी अल्लाह की कसम सब तो पहले इसलाह कर दी है ते तेरे मेरे अकीदे की सलाह कर दी है किंज कर दी है अल्लाह पाक साढ़े हर मुसलमान का अकीदा दुरुस्त फरमाए एवें नहीं शेखुल कुरान हजरत मौलाना मुहम्मद हुसैन रहमतुल्ला अलैह मुनाजर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्ला अलैह एवें ते नहीं अकीदे ते अपने बयानात अपनी आवाज़ां तकरीरां करदे रहे अल्लाह की कसम ऐतल कुर्सी बंदे दा अकीदा दुरुस्त कर दी है और मैं ते कहा करना अकीदा ठीक है फिर रोज़ा भी कबूल है हज भी कबूल है नमाज भी कबूल है सदका भी कबूल है उमरे भी कबूल ने अल्लाह की रहमत ना नेकी कबूल है अगर अकीदा ठीक नहीं है फिर तेरे रोजे भी रखे कबूल नहीं है तेरिया नमाजा भी कबूल नहीं है तेरिया तहज्जुदा भी कबूल नहीं है तेरे जिहाद ते उम्रे भी कबूल नहीं है अल्लाह को दुआ करिया कर अल्लाह हर मुसलमान नु अकीदा तौहीद नसीब फरमा दे और मैं तर्जमा मुख्सर करा मेरे भाई कितनी प्यारी आयत है आओ इनू मुहब्बत ना पढ़िए चूम चूम के पढ़िए वजत के नाल पढ़िए दिल नू नरम करके पढ़िए अखा चू अथरू बहा के पढ़िए रब नू अपने सामने तसव्वर आदरा के पढ़िए ते पढ़ना किंजे फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह एदा तर्जमा की है अल्लाह ते तो इलावा कोई इला नहीं ते तो इलावा कोई मुश्किल के शाह नहीं अकीदा जरूरी है अकीदा शरत है और तुसा वज़ाइफ और यदि कदर मंजिलत ते गौर नजर पाइए ना ते मैं 5-7 मिनट के अंदर ऐतुल कुर्सी दी तफसीर ते मफहूम बयान करें कि आयतुल कुर्सी दर्ज देंदी है अल्लाह की कसम घर जा के तर्जमे वाला कुरान खोल के जद यदी तर्जमे तफसीर ते नजर पा लै ते की कुरान आंदा है फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हय्युल कय्यूम ते तर्जमा की है तर्जमा सुन लै फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला अल्लाह तो इलावा कोई इला नहीं कोई मुश्किल कशा नहीं है कोई हाजत रवा नहीं है कोई बिगड़िया बनाने वाला नहीं है कोई आशा मुरादा पूरियां करने वाला नहीं है कोई गरीब नवाज नहीं है कोई गंज बख्श नहीं है कोई जनाब पालनहार नहीं है कोई दाता नहीं कोई दस्तगीर नहीं है अल्लाह इलाहा इल्लाह इस ला दी तलवार हजरत आदम भी बयान की है ला दी जनाब छड़ी नो जनाबे प्यारे नूह अलैहिस्सलाम भी पेश कीता है जनाबे मूसा कलीम भी पेश कीता है हजरत जनाबे खलीलुल्लाह भी कीता है और आमिना ते लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इलादी तारीफ फरमाई है फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह कौन है दाता कौन है मुश्किल कशा ते हाजत रवा कौन है फरमाया उस तो इलावा कोई इला ते मुश्किल कशा नहीं है और अल्लाह की सिफत की है फरमाया अल्लाह हय्युल कय्यूम अल्लाह जिंदा भी है ते अल्लाह की ज़ात कायम ते दायम भी है जिंदा रब दाता मुश्किल कशा दी सिफत अल हय अल्लाह जिंदा इंसान जिंदा नहीं
रब रहमान जिंदा, हर बंदे ने फना हो जाना, दुनिया तो टुर जाना। फरमाया कुल्लो मन अलैहा फान वयबगा वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह जिंदा, ओनू मौत नहीं आनी, हर वेले जिंदा, हर जगह वे अल कयूम, हर बाल हर वेले और जिंदा ते कायम दायम साथ है। ए अल्लाह दा इसमे आजम भी इस आयत अंदर है। मैं कुर्बान जावां सही मुस्नद अहमद ते मुस्लिम बुखारी दी रवायत है। आमिना दिलाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, हजरत वासिला रजी अल्लाहु ताला अन्हें सर्वात तेरा भी में के कुरान पाक दी अंदर अल्लाह ने तीन मुकामात अपने इसमें आजम दा तस्करा फरमाया। और जेड़ा मरद जेड़ी बीबी रब दे इसमें आजम दा तस्करा करके अल्लाह को सवाल करेंगे, अल्लाह उन्हों बिन मंगिया हर एक नेमत अता फरमा देंगे। अल्लाह दे इसमें आजम नंबर एक हजरत हजरत पाक पैगंबर अली सलाम दे सहाबी बयान करते हैं। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, नंबर एक इसमें आजम जेड़ा सूरतुल बकरा दे अंदर, नंबर दो सूरतुल आले इमरान दे अंदर, नंबर तीन ताहा सूरत अंदर ने, ताहा सूरत अंदर केंज रब दे इसमें आजम दा वास्ता पाया करो। फिर अल्लाह को लो मंगिया करो, फरमाया वा आना तिल वजू लीला हईल कयूम, सूरा आले इमरान ते अंदर अलिफ लामीम। सुन रब दा कुरान, तेरा ते मैं अपना दिल कलेजा ठारदा जावे, मेरा शहीद कायद अलामा हबीब रहमान यस्तानी शहीद आखिया कर दे। अल्लाह इन्ना ते शहद का दरम भी मिठा नहीं, रशा वाले जिन्ना तेरा कुरान मिठा है। और रमजान का महीने जुमे की मुबारक कड़ी है, कुरान अपने दिलो दिमाग दिया तख्तिया ते नोट करके ले जाओ। रब दे इसमे आजम का तज़किरा दूसरा मौका फरमाया अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, ते तीसरे नंबर ते सूरतुल बकरा दे अंदर अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। ए अल्लाह दा इसमें आजम है। ए सूरत दे अंदर इस आयत दे अंदर रब ने अपने इसमें आजम दा तस्करा फरमाया, जेड़ा मेरा उम्मती इसमें आजम पढ़ के जो दुआ करे अल्लाह उस बंदे दी दुआ नू कदी रद्द नहीं कर। ते दूजी सिफत की है, गल एक दो मिनट दी है। फरमाया अल्लाह ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, रब ओवे जिनू ना नींद आउंदी है ते ना ओनू ऊंगी आउंदी है, रब ओवे जिनू ना नींद आउंदी है ना ऊंगी आउंदी है। अगर लाहौर वाले दाता ती गल कीती जाए, अल्लाह दे वलियां दी पैरां दी खाद साडियां अखां दा सुरम है, लेकिन गल ते गौर करे आजे, जेड़ा सौं जांदा है जेड़ा दुनिया तो टुर जांदा है ओ मुश्किल कशा नहीं हो सकता, जिन्हों नींद आवे ओ इला नहीं हो सकता। रब नू नींद दी सिफत तो पाके बल्कि अल्लाह पाक नू ऊंग ते अंगलाहट भी नहीं आउंदी। इत्थे की है,
शेखुपुरे के वड्डे तो वड्डे डॉक्टर हकीम को जाता है, जी मैं बड़ा परेशान है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार है, की मसला है? जी सब कोई ठीक है, पर गल ये है डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। बंदा नींद तो बगैर बेकार है। ते अल्लाह दी जात ना सारिया चीजा तो पाक है। रब्बुल आलमीन नू पुकारिया कर, दिन पुकार, रात पुकार, मस्जिद अंदर पुकार, मदरसे अंदर पुकार, घर विच पुकार, दुकान अंदर पुकार, फेड़े अंदर पुकार, कमरे अंदर पुकार, मंजी ते बह के पुकार, सफा ते खलो के पुकार। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया तुम मुन्नू पुकार, मेरे इस्मे आजम दा तज़किरा करके मैं अल्लाह दी जात अपनी रहमत ना तेरिया सारिया पुकारा सुन लवांगा। ओ आप की आंदा आंदा आजा मंग ले जो कुछ चाहना आए, पूरी आयतुल कुर्सी दा खुलासा, आजा मंग ले जो कुछ चाहना आए, ओ तेरा रब क्यों शर्माना आए। अल्लाह फरमांदे ने मैं सौ जांदा ते मेरे नू दी कश्ती नू दसो पार कौन लगांदा, मैं सौ जांदा मेरे इब्राहिम दी अग नू गुलजार कौन बनांदा, मैं सौ जांदा मेरे इस्माइल नू छुरी ते नीचियों कौन बचांदा, मैं सौ जांदा अपने यूसुफ नू खूह चो कढ के मिस्र दा तख्त कौन अता करदा, मैं सौ जांदा यूनस नू मछली दे पेट चो कड के रहाइयां कौन देंदा, मैं सौ जांदा असहाबे काब दियां करवटां कौन बदलदा। ओए आजा मंग ले जो कुछ चाहना आए, रब वादा देंदे आजा मंग ले जो कुछ चाहना आए, तेरा रब हां क्यों शर्माना आए, डर खैरान दे के ओ जाना आए, कौला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मेरे मिलने ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਮਹੱਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੌਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇਂ ਚੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵਾ, ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ ਸਾਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇਂ ਚੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਤੇ ਸਰ ਦੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾ, ਕੌਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰਾ ਆਪ ਮੈਂ ਸਦ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਲ ਮੇ ਮੁਸਤਰਜ਼ਕਿਨ ਹਲ ਮੇ ਮੁਸਤਸ਼ਫੀਨ ਹਲ ਮੇ ਮੁਸਤਗਫਿਰਨ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਾ ਸਾਧ ਮੈਂ ਆਪ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਮਾਰਾ ਆਪ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਥਾ ਨਾ ਮੋੜਾ ਖਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰ ਆਲੀ ਨੂੰ, ਕੌਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ,
ते ऐ जड़ी कुरान दी आयत पढ़ी है ला ताखुज़ुह सिनतुन वला नौम एदा तर्जमा की है आंदे ने बड़ी प्यारी गल करदे ने फरमांदे ने रम जागदा मैं कदी सौंदा नहीं और रामा जागदा मैं कदी सौंदा नहीं राखी जगदी करा अंग लौंदा नहीं तू फिर मेरे बुए आउंदा नहीं कौला इलाहा इल्लल्लाह और फिर मोहब्बत ना पढ़िया कर बार बार तस्करे करे आ कर अल्लाह इलाह मन सल्लाई فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم हर मुसलमान हर मेरी इस्लामी माँ बहन मेरे दोस्त अहबाब आप भी पढ़ो अपनी औलाद नू भी सिखाओ और अज दा मसमून इंशाअल्लाहुर्रहमान अज दा पैगाम घर घर पहुँचा दियो कि रमजान मुबारक दे दूसरे जुमे के अंदर एक तालिब इल्म फकीर ने सानू मैसेज की दिता है अल्लाह पूरे कुरान ना सानू सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए प्यार नसीब फरमाए आइंदा जुमा इंशाअल्लाहुर रहमान कौन खुश नसीब लोग ने कि जिन्होंने अल्लाह अपने अरशे अजीम दा साया अता फरमानगे वाकई बहुत वक्त ज़्यादा हो जाता है पर जो तुसी आउंदे हो उदो मैनू तकरीर आउंदी है पहले मैं भी पखे गिणदा रहिना तुसी भी टीट हो नहीं आउंदे रोज़ा रखिया हुंदा है कोशिश करिया करो वक्त दे नाल आउंदी अल्लाह वक्त ते आउंदी तौफीक नसीब फरमाए मैं हर जुमे ऐलान करना मेरे नहायत ही काबिल सादे एहतराम मोहतरम मुकाम भाई मुहम्मद जुहेब सिटी सेंटर वाले इन्हों का बेहतरीन अलहमदुल्ला यूट्यूब ते ये चैनल है और जरूर सब्सक्राइब करिया करो इंशाअल्लाह तमाम खुतबा जुमा और तकरीर इंशाअल्लाह रहमान जुहेब सिटी सेंटर तो मिल जाएगियाँ दूसरा पैगाम ये वे कि रमज़ान मुबारक का महीना है महंगाई भी वाकई बहुत ज़्यादा है मेरे शेखुल मुकर्रम मोहतरमुल मुकाम फदीलतुल इस्लाम खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना हाफिज़ अब्दुल बासित शेखुपुरी हाफिज़ाहुल्लाह उन्होंने पैगाम भी है और उन्होंने ये मुअद्दबाना दरखास्त भी है कि जिस तरह करां दे अखराजात ने इस तरह मसाजिद मरदारस के अखराजात ने बिल तुसी वेंदे हो बिल्ला ने काम बड़े खराब